दोस्तों ये कहानी है शांति के बारे में। आप लोगों में से कई सारे लोगों को शांति का सही मतलब नहीं पता होगा। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इस कहानी को सुनने के बाद शांति का असली मतलब पता चल जाएगा। दोस्तों पुराने समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत ज्यादा लगाव था। एक दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो भी कोई मुझे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो कि शांति को दर्शाती हो तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। जिस दिन फैसला होने वाला था उस दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने की लालच में अपनी पेंटिंग्स लेकर राजा के महल समय पर पहुंच गए। राजा ने एक एक करके सभी की पेंटिंग्स देखी। सभी पेंटिंग्स में से राजा ने सिर्फ दो पेंटिंग्स अलग रखवा दी। राजा को वो दोनों पेंटिंग्स बहुत पसंद आई थी। इन दोनों में से किसी एक को इनाम मिलने वाला था। पहली पेंटिंग एक बहुत सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी बहुत ही ज्यादा साफ था। उस पेंटिंग में ऊपर नीला आसमान था और आसमान में रुई के गोलों के समान सफेद बादल थे। ये पेंटिंग में शांति साफ नजर आ रही थी। जो कोई भी इसे देखता उसे ऐसा ही लगता था कि शांति को दर्शाने के लिए ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। दूसरी जो पेंटिंग थी उसमें पहाड़ थे। पहाड़ बिल्कुल रूखे थे, वीरान थे। इन पहाड़ों के ऊपर बादल थे और उस बादल में बिजलियां चमक रही थी। तेज हवा से पेड़ हिल रहे थे। पहाड़ी की दूसरी ओर एक झरना था और झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस दूसरी पेंटिंग को देखता तो वो यही सोचता कि इस पेंटिंग का शांति से क्या लेना देना है, इसमें तो केवल अशांति ही दिखाई दे रही है। सभी को यही लगता था कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। अब बारी आ गई थी राजा की ये बताने की कि इनाम वो किसे देने वाले हैं। राजा ने ये ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार की पेंटिंग उन्हें ज्यादा अच्छी लगी है और वो उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा की बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा का फैसला सुनने के बाद अब पहले चित्रकार से रहा नहीं गया और उसने राजा से पूछ ही लिया कि आखिर आपको उस पेंटिंग में ऐसा क्या दिखा कि आपने उसे इनाम देने का फैसला ले लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए अच्छी है। तब राजा ने पहले चित्रकार से कहा कि तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। राजा उस चित्रकार को दूसरी पेंटिंग की ओर ले जाते हैं और कहते हैं कि इस पेंटिंग में झरने के दाईं ओर हवा से एक तरह झुके हुए इस वृक्ष को देखो। वृक्ष की डाली पर बने इस घोंसले को ध्यान से देखो, कैसे एक चिड़िया कोमलता से शांत भाव से अपने बच्चों को भोजन करा रही है। राजा ने वहां पर हाजिर सभी लोगों को समझाया कि शांति का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऐसे स्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, सब कुछ अच्छा ही हो। शांति का मतलब तो ये होता है कि आप हर तरह की अव्यवस्था अशांति के बीच में भी शांत रह पाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाओ। सभी लोग अच्छे से समझ गए कि राजा ने दूसरी पेंटिंग को क्यों चुना। दोस्तों हम सभी को अपनी लाइफ में शांति चाहिए। अक्सर हम शांति के मतलब को गलत समझ लेते हैं और उसे बाहरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं, जबकि हमें शांति पूरी तरह से हमारे अंदर ही मिलती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।